हिमाचल से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मंडी से चुनाव लड़ेंगे विक्रमादित्य सिंह। कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया क्योंकि इसको लेकर के पहले से ही कयास लग रहे थे। हालांकि बीच में प्रतिभा सिंह का भी नाम सामने आया, लेकिन अब ये तय हो गया कि उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ेंगे। मंडी से बात करें तो एक तरफ बीजेपी की तरफ से कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतारा गया है और अब विक्रमादित्य सिंह यहां से दावा ठोकेंगे। और सबसे बड़ी बात है पूर्णिमा की चुनाव बेहद दिलचस्प मंडी लोकसभा क्षेत्र का, और दिलचस्प इस लिहाज से भी क्योंकि अपनी तमाम चुनावी रैलियों में कंगना रनौत विक्रमादित्य सिंह को लेकर तंज कसती रही है। इससे पहले राहुल गांधी की तुलना उन्होंने विक्रमादित्य सिंह से कई मायनों में की थी और तंज कसते हुए विक्रमादित्य सिंह पर लगातार कंगना रनौत हमलावर रही। लेकिन अब चुनावी मैदान में भी ये द्वंद देखने को मिलेगा। जब मंडी से एक तरफ होंगी कंगना रनौत बीजेपी की कैंडिडेट, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया गया है। जाहिर है कि इस टिकट देने के साथ साथ विक्रमादित्य सिंह की नाराजगी को काफी हद तक कम करने की कोशिश की गई है। राज्यसभा के चुनावों में क्रॉस वोटिंग के बाद जिस तरीके से हिमाचल कांग्रेस में एक टूट देखने को मिली थी, उसके बाद सब कुछ ऑल इज वेल बताया गया था। अब चुनावी मैदान में विक्रमादित्य सिंह को टिकट देने के साथ साथ कितना प्रतिभा सिंह को कांग्रेस अपने साथ ला पाई है, क्योंकि अलग अलग मंचों से प्रतिभा सिंह पहले कांग्रेस को लेकर सवाल उठाती रही। हालांकि बाद में यह पिक्चर जरूर देने की कोशिश की गई कि सब कुछ ठीक ठाक है। अक्षय मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, कयास इसी बात के थे, फाइनल कंफर्मेशन है विक्रमादित्य सिंह अब मंडी से होंगे और बीजेपी की तरफ से कंगना रनौत तो है ही। देखिए, जिस रूप से इसकी उम्मीद पहले से जताई जा रही थी, क्योंकि प्रभात सिंह ने पहले से ही मना कर दिया था, वो अपने बेटे के लिए टिकट चाहती थी। और कुछ दिन पहले जब कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात हुई थी तो विक्रमादित्य का नाम उन्होंने आगे रखा था और ये माना जा रहा था कि आज जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उस पर मुहर लग जाएगी। और फाइनली मुहर लग गई है, प्रभात सिंह ने ये बात कह भी की है। अब प्रत्याशी का ऐलान विधिवत रूप से कांग्रेस आज देर रात तक कर सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही है। साफ तौर पर है कि मंडी चुनाव को दिलचस्प बनाने के लिए कांग्रेस ने ये नाम चला है और ये माना जा रहा है कि कंगना रनौत के खिलाफ विक्रमादित्य सिंह बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि वीरभद्र सिंह की जो विरासत रही है वहां पर उन्होंने जिस तरह से काम किया है, मंडी के लोग ये मानते हैं कि राज परिवार का कहीं ना कहीं उनके विकास में योगदान रहा है। अब कितना दिलचस्प कांग्रेस इस कंटेस्टेंट को बना सकती है ये देखना दिलचस्प जरूर होगा। अक्षय, ये एक तीर से दो निशाना भी है, जिस तरह से विक्रमादित्य वर्सेस सुखू की लड़ाई दिख रही थी। दिल्ली अगर आते हैं चुनाव, अगर जीतते हैं, हालांकि ये फर्ज करना होगा, तो राज्य की लड़ाई भी खत्म होगी और कंगना के लिए चुनाव भी मुश्किल होगा। आयुष, निश्चित रूप से कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान से एक बीच का रास्ता निश्चित से निकाला था, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस सरकार वहां खतरे में नजर आ रही थी, जिस तरह से विधायकों का वहां पर चूक हुई, राज्यसभा निर्वाचन से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और उसमें कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस आलाकमान ने अपने आप को साबित करने की कोशिश की कि हम कहीं से 19 नहीं है, और यही वजह रही कि प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य को मनाने में कामयाबी जरूर हासिल हुई। सरकार फिलहाल तो बच गई है, लेकिन क्योंकि वहां चुनाव होने हैं तो बीजेपी ने भी पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, लेकिन अक्षय, इतनी जल्दबाजी की वजह क्या है, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रतिभा सिंह ने पहले ही ऐलान कर दिया कि मंडी से विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ेंगे, तो ये औपचारिक ऐलान से पहले का ऐलान? देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि प्रतिभा सिंह भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल थी, तो अगर उनसे संवाददाताओं ने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए विक्रमादित्य चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि सवाल उसी पर था और साफ तौर पर था कि प्रतिभा सिंह पर पहले नाम चल रहा था, लेकिन प्रतिभा सिंह ने पहले ही मना कर दिया था। कांग्रेस आलाकमान ने सोचा कि वहां पर विक्रमादित्य को चुनाव लड़ाया जाए और क्योंकि फील्ड में एक्टिव रहे हैं और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अभी कुछ देर पहले ही हिमाचल को लेकर खत्म हुई है, इसलिए प्रतिभा सिंह ने उसका ऐलान कर दिया, क्योंकि ये माना जा रहा है खास पहले से ही कि विक्रमादित्य को लड़ाने का कांग्रेस पहले से ही फैसला कर चुकी है, इस पर सिर्फ मुहर लगनी बाकी थी। आज मुहर लग गई है, उसका लिस्ट अनाउंस भी कुछ देर में कर दिया जाएगा। हरियाणा और पंजाब की बैठक फिलहाल हो रही है, हरियाणा की शुरू हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पंजाब की भी बैठक आज होनी है, तो माना जा रहा है कि देर शाम
तक कांग्रेस अपनी लिस्ट भी जारी कर देगी जिसमें कि विक्रमादित्य का नाम भी होगा। अक्षय, एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि जरा जल्दी से मंडी का जो समीकरण है वो बताइए, क्योंकि नई नवेली एंट्री है कंगना रनौत की, विक्रमादित्य सिंह उस लेगेसी को लेकर चलेंगे जो उनके पिता की है और उसके बाद प्रतिभा सिंह ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, ऐसे में कांग्रेस के लिए सीट इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हिमाचल की राजनीति में अपने दखल को मजबूती के साथ रखना है तो। देखिए, निश्चित रूप से मंडी की सीट हॉट सीट होने जा रही है और वैसे ही कंगना रनौत को बीजेपी ने उतार करके एक बड़ा दांव खेला था। कांग्रेस के सामने अब चुनौती ये थी कि किसको प्रत्याशी वहां से बनाया जाए। हालांकि निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पहले से वीरभद्र सिंह का वो गढ़ रहा है, लेकिन कंगना क्योंकि स्थानीय निवासी वहां की है और एक बड़ी स्टार है, इसलिए कांग्रेस के सामने चुनौती बहुत होगी और खास करके जो बागी विधायक हैं वो कहीं ना कहीं विक्रमादित्य के सामने चुनौती बन सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ये मानती है कि क्योंकि प्रतिभा सिंह ऑलरेडी वहां से सांसद रही है, लेकिन अक्षय में एक पहलू ये हो सकता है क्योंकि जो सियासी हलचल हमने हिमाचल में देखा जिस वजह से राज्यसभा की सीट तक गंवानी पड़ी, उसमें कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आई। एक खेमा वो जो प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठा रहा था, दूसरा खेमा वो जो कि मुख्यमंत्री को घेर रहा था। ऐसे में क्या अपनों की चुनौतियां भी उस पूरे क्षेत्र में पेश आ सकती है कम से कम कांग्रेस के सामने, विक्रमादित्य सिंह के सामने, या फिर ये कहें कि विरासत उस तरीके से है, राज परिवार का गढ़ उस तरीके से, दबदबा उस तरीके से है, तो राहें आसान होंगी? देखिए, राहें आसान तो नहीं होने जा रही है, लेकिन हाँ, क्योंकि गढ़ रहा है और ये मानती रही है कांग्रेस की मंडी में राज परिवार हमेशा से मजबूत रहा है, सचिव सांसद भी प्रतिभा सिंह रही है और क्योंकि वहां पर घर है कई विधायकों के भी, जो कि राणा वहां से विधायक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बीजेपी ने उनको बाइनेरियल इलेक्शन के लिए उतार दिया है। देखिए, राहें आसान तो नहीं होने जा रही है, लेकिन हाँ, क्योंकि गढ़ रहा है और ये मानती रही है कांग्रेस की मंडी में राज परिवार हमेशा से मजबूत रहा है, सचिव सांसद भी प्रतिभा सिंह रही है और क्योंकि वहां पर घर है कई विधायकों के भी, जो कि राणा वहां से विधायक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बीजेपी ने उनको बाइनेरियल इलेक्शन के लिए उतार दिया है। साफ तौर पर है कि चुनौती कम नहीं होगी और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर की भी वहां पर प्रतिष्ठाओं पर है, कंगना रनौत बीजेपी से उम्मीदवार बनाई गई है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो राज परिवार की भी किस्मत दांव पर है और सात सीटों में मंडी को इस बार गिना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से विक्रमादित्य की सीट अनाउंस हुई है, कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो जिस तरह से उपचुनाव में 2021 में जीत हासिल की थी उतनी आसान तो इस बार नहीं होगी, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि जरूर 2024 का जो इलेक्शन होगा वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत होगा। ठीक है, देखना होगा कि आगे कैसी तस्वीर सामने आती है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।